संडे का स्पेशल हेल्दी खाना आज हम बनाएंगे कुछ अंडे से और थोड़ा सा ब्रेड लेके। पहले हम बेसन को पानी से मिक्स करेंगे, उसके बाद उबला हुआ आलू लेंगे और उसका पापड़ बना के उसके अंदर हम अंडा डालेंगे और अच्छी तरीके से उसको घोल कर देंगे। जब पूरी तरीके से अंडा कवर हो जाए उसके बाद हम इसको रख देंगे और जितना हमें ऐसे बनाना है एक एक करके हम अलग अलग बना लेंगे। देखिए पूरी तरीके से गोल हो गया है। अब हम इसके ऊपर भीगा हुआ ब्रेड इसको चिपका लेंगे पूरी तरीके से, एकदम गोल शेप हो जाएगा। देखिए पानी को नीचे उड़ते हुए इसको टाइट कर लेंगे। इस तरीके से हमें जितना बनाना है हम एक एक करके गोल बना लेंगे। अब हम आते हैं कढ़ाई की तरफ। चूल्हे पे हमने कढ़ाई चढ़ा दिया है और तेल पर्याप्त मात्रा में उसमें डाल लिया है। अब गरम कर रहे हैं। जब गरम हो जाएगा उसमें हम एक एक करके इनको डालेंगे। अब देखिए तेल गरम हो गया है। अब हम शुरू करते हैं इसको तलना। मीडियम फ्लेम में इसको तलेंगे और इसको हल्के हल्के पलटते रहेंगे क्योंकि हमने तेल कम लिया है तो ये पूरी तरीके से डूबा नहीं है, तो इसको पलटते रहेंगे। इसी तरीके से हम एक एक करके सबको फ्राई कर लेंगे। अब इसको निकाल के अलग रख लेंगे और दूसरा इसमें डालेंगे और फिर उसी तरीके से हम पलट पलट के उसको फ्राई करेंगे।
अब इसके बाद इसको प्लेट में सर्व करेंगे और जैसा चाहें हरी चटनी के साथ, मीठी चटनी के साथ आप इसको इंजॉय कर सकते हैं।